चले गए तो उस बात को भी छोड़ दे रहे हैं। तो दो तरह से हम कविताओं को सुनाना पसंद करेंगे, आप लोग जैसा कहें। एक तो काफ़ी कविताएं फिल्म में ही सुनाई गई हैं, मगर वो आधी अधूरी सुनाई गई, पूरी नहीं सुनाई गई हैं। कहिए तो मैं उन कविताओं को पूरी कर दूँ, और कहिए बिल्कुल आपको जैसा लगे आप सुनाइए। हाँ, जो कविता ये आई कि वो कविता चार लाइन की, दो लाइन की नहीं है, कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता, मैं कहता हूँ कि गेगले गुगले अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। ठोकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा और या तो आसमान में धान जमेगा। दूसरी कविता औरतों के नाम से छपी है, बीबीसी में जो प्रकाशित किया था, उसे मैं पूरा सुना दे रहा हूं, उसमें भी अधूरा ही सुनाया गया है। कुछ औरतें अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चीता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म के की किताबों में लिखा। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है, मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन गांव को भी मंसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए। मैं उन डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर के फौजें और कुर्बा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूद कर या चीता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानातों को दोबारा कलमबंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रहा, कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी सात बित्ते की देह को ताजिंदगी समोए रही और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं, और जब बाहर निकली तो औरत नहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पकड़ गई है मां मेरी की। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है लोगों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुर्म के सारे साबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लय सीनों को खुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वह महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वो भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पद को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। और जो रोती जाती है मर्द मारते जाते हैं, और जो जोर से रोती है मर्द और जोर से मारते हैं, औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि मर जाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। लेकिन मेरी चिंता है कि भविष्य में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये नहीं। और दोस्तों एक कविता और याद आ रही है, और भैया को संबोधित करके जो प्रश्न कर रहे थे मेरा दुर्भाग्य से चले गए, मेरी मोहब्बत ही तोड़ दी है, खैर कोई बात नहीं, कि हकीकत कोई नंगई तो नहीं है, हकीकत किसी की फजीहत नहीं है, हकीकत वही है जो खुद रासा है, हकीकत किसी की नसीहत नहीं है, और हकीकत की वारी से खुद ही हकीकत, हकीकत किसी की वसीयत नहीं है, और हकीकत वही है जो मैं कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं यही कह रहा हूं, और अभी दाबू तो जमी चीख देगी और अभी तांगू तो गगन फाट जाए, मगर आदमी का फर्ज ये नहीं है, फर्ज है कि छप्पर गिरे तो उठाए। इसी के लिए, हाँ इसी के लिए तो अमीना का छप्पर और हामिद की खपरेल और सालिक की शादी की मालिक की तेरही की बैजू की बीवी की सरजू की रखेल, सभी के लिए, हाँ सभी के लिए तो सभी के लिए एक वतन चाहिए ही, ये कम वक्त है इसमें अब सब कहाँ है, मगर मर गए तो कफन चाहिए ही,
और आज से एक कफन ये झंडा मेरा, मैं हरिश्चंद्र के बाप का बाप हूँ, मैं वही बीज हूँ जो जमा है आज में, मैं वही फल वो फलता है जो अंत में। वो तो देवयानी का ही मर्तबा था कि सालिया सांस की आंच, वरना बहुत लंबी नाक थी याद। तो नाक में नासूर है और नाक की फुफकार है और नाक विद्रोही की भी शमशीर है, तलवार है, और जज्बात कुछ ऐसा कि बस सातों समंदर पार है। और ये सर नहीं गुम्मद है, कोई पीछा की मीनार है, और ये गिरा तो आदमियत का ये कीड़ा गिर पड़ेगा, और ये गिरा तो बुलंदियों का पेड़ा गिर पड़ेगा, और ये गिरा तो मोहब्बत का घरौदा गिर पड़ेगा, और इश्क का और हुस्न का दोनों का कीड़ा गिर पड़ेगा। इसलिए रहता हूँ जिंदा, वरना कब का मर चुका हूँ। इसलिए रहता हूँ जिंदा, वरना कब का मर चुका हूँ। मैं सिर्फ काशी में ही नहीं, रूमान में भी बीत चुका हूँ, और हर जगह ऐसी ही जिंदगी, और हर जगह ऐसी जहालत, और हर जगह पर है पुलिस, और हर जगह पर है अदालत, और हर जगह पर है पुरोहित, और हर जगह नरमेद है, और हर जगह कमजोर माना जा रहा है, खेद है। तो सूलियां ही हर जगह पर है निजामों के निशान, और हर जगह पर फांसियां लटकाए जाते हैं गुलाम। तो हर जगह पर औरतों को मारा पीटा जा रहा है, खोदा गाड़ा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, और हर जगह पर खून है, और हर जगह आंसू बीछे हैं, और ये कलम है सरहदों के पार भी नकली लिखे हैं। तो आपको बदलाव में इतिहास की शुरुआत को, आपको बदलाऊ में इतिहास की शुरुआत को, और किस लिए बारात दरवाजे पे आई रात को, और ले गई दुल्हन उठाकर और मंडप को गिराकर, और एक दुल्हन के लिए आए कई दूल्हे मिलाकर, और जंग कुछ ऐसा मचाया कि तंग दुनिया हो गई, और मरने वाले की चिता पर जिंदा औरत सो गई, और तब बजे घड़ियाल पंडे संघ घंटे घनघनाए, और फौजों ने भोपू बजाए, और पुलिस ने तुरही बजाए, और मंत्रोच्चारण ये हुआ कि मंगलम औरत सती हो, और जीते जी जलती रहे जिस भी औरत के पति हो। और तब बड़े बाजार और बाजार में सामान आए, और बाद में सामान की गिनती में खुद इंसान आए। तो बगदाद और बदख्शां में खुल्ला बिकते थे गुलाम, सीरिया और काहिरा में पट्टा होते थे गुलाम, और बेतलहम यरूशलम में रेहन होते थे गुलाम, और रोम में और कापुआ में गिरवी होते थे गुलाम, और मंचूरिया संघाई में नीलाम होते थे गुलाम, और मगध कौशल काशी में बेनामी होते थे गुलाम, और सारी दुनिया में किराए पर उठते थे गुलाम, सारी दुनिया में किराए पर उठे थे गुलाम। पर वाह रे मेरा जमाना, और वाह रे भगवा हुकूमत की सरे बाजार में खैरात बढ़ते हैं गुलाम। तो लोग कहते हैं कि लोगों पहले तो ऐसा न था, पर मैं तो कहता हूँ कि लोगों कब कहाँ कैसा न था। तो दुनिया के बाजार में सबसे पहले क्या बिका था, तो सबसे पहले दोस्तों वो बंदर का बच्चा बिका था, बंदर का बच्चा बिका था। और बाद में तो डार्विन ने सिद्ध बिल्कुल कर लिया कि वो जो था बंदर का बच्चा, बंदर नहीं था, आदमी था। क्या बात।